हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11, 12 और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12th का मैथ्स, चैप्टर है डिफ्रेंशिएशन और टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियोज का सूचना आपको मिलते रहे। लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का ये 6th लेक्चर है। आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक देख लीजिए। लेक्चर 6 में आज हम लोग कुछ वैसे प्रॉब्लम्स को उठा रहे हैं जो जेई मेंस के लिए एक्सपेक्टेड है, आप उसको प्रैक्टिस प्रॉब्लम कह सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स पूछा नहीं गया है लेकिन एक्सपेक्टेड है, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत जल्द पूछना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन है इफ़ एफ ऑफ एक्स बराबर 3+x/1+x टू द पावर 2+3x और आपको फाइंड करना है f'0। ऑब्जेक्टिव सवाल है, 4 ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, समय उसमें बर्बाद हो जाएगा और जगह की भी कमी रहती है, बोर्ड छोटा है। सवाल देखिए कह रहा है कि f(x) = 3+x/2+3x और आपको निकालना है f'0। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, f(x) = 3+x/1+x^2 इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं कि जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिया हुआ रहता है तो बिफोर डिफ्रेंशिएशन वी यूज लॉगरिदम। तो हम लोग लॉग यूज कर लेते हैं, यानी लॉग ऑफ f(x) बराबर होगा लॉग ऑफ 3+x/1+x^2 और हम लिख सकते हैं इसको लॉग ऑफ f(x) log m^n, यानी n log m, तो 2+3x (log 3+x/1+x) अब यहाँ लगाएंगे log m बटा n तो हो जाएगा log m माइनस log n, यानी log ऑफ f(x) = 2+3x (log 3+x) - log 1+x, ये हो गया log m अपॉन n, को लिखेंगे log m माइनस log n। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/f(x), और फिर f(x) का डेरिवेटिव f'(x), इतना तो आप सीख ही गए होंगे। अब यहाँ हो जाएगा u(v) पर, ये हो गया आपका u और ये पूरा हो गया v। तो u गुना v का डेरिवेटिव क्या होता है, u को छोड़ देते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस v को छोड़ देते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो u हो गया आपका 2+3x v का डेरिवेटिव, तो log x का हो जाएगा 1/x, फिर 3 का 0 और x का 1, तो 0+1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/1+x। log ऑफ 3+x का हो गया 1/3+x और 3 का 0 और x का 1, तो 0+1 यानी 1, तो 1 × 1 ही रह गया। वैसे यहाँ भी log ऑफ 1+x का हो गया 1/1+x और 1 का 0 और x का 1, तो ये हो गया u(v) का डेरिवेटिव। अब प्लस v मतलब log ऑफ 3+x (log 3+x) - log 1+x, ये इंटू में है भी, और इंटू 2+3x का डेरिवेटिव, तो 2 का डेरिवेटिव 0 और 3x का डेरिवेटिव 3,
यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से इंटू 3। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, थोड़ा यहीं पर छोटा कर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में x के जगह पर हम 0 पुट कर देते हैं तो f ऑफ 0 हमको मिल जाएगा। f डैश 0 निकालना है, f डैश 0 निकालना है, तो फ्रॉम 1 हमको एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3 + x / 1 + x^2 / 3x। यहाँ हम x का वैल्यू रख देते हैं 0, तो f ऑफ 0 बराबर होगा 3 + 0 / 1 + 0 / 2 / 3 × 0, यानी 3/1 / 2 = 9। ये f ऑफ 0 का वैल्यू हो गया। और 2 में भी x बराबर 0 पुट कर देते हैं, इन टू पुट x इज इक्वल्स टू 0। दूसरा में जब x बराबर 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा 1/f(x) का मतलब f ऑफ 0 इंटू एफ डैश 0 बराबर 2 + 3x, यानी 2 x के जगह पर हो गया 0, तो 2 बच गया। ये 1/3 + 0 - 1/1 + 0, यानी 1/3 - 1 + log(3 + 0 - log(1 + 0) (3). अब ये f ऑफ 0 का वैल्यू निकल चुका है 9, तो आप यहाँ रख सकते हैं 9। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, f डैश 0 बराबर, या अभी ऐसे ही रहने दीजिए, 1/9 f(0) = 2 × 1/3 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 3/3 यानी -2/3 × 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा -4/3। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। और यहाँ देखिए log 1 का वैल्यू हो गया 0, तो बच गया 3 log 3। अब देखिए और आगे क्या कर सकते हैं, अभी हो जाएगा हमको 1/9 × f(0) = 3 log 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो n log m को लिख सकते हैं log m/n, यानी log 3/3 यानी log 27, और -4/3। इसीलिए f(0) = क्या हो जाएगा, f(0) = हो जाएगा, ये 1/9 पूरे में गुना हो जाएगा 1/9 पूरे में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 × log 27 को रहने दीजिए, log 3 रहने दीजिए, थोड़ा आसान लगेगा, अब -4/3 इस 9 को हटाने के लिए। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं तो 1/9 × 3 log 3 कितना मिल जाएगा, 1/9 × 3 log 3 था, नहीं ये 1/9 नहीं, इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 1/9 था, गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 × 3 = 27 log 3 - 9 × 4/3, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, यानी 27 log 3 - 12, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, बहुत ही अच्छा सवाल, इसको एक बार आपको देख के जाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में 1/9 मल्टीप्लीकेशन में था, उस तरफ ले जाएंगे तो 9 गुना हो जाएगा, तो 9 × 3 log 3 - 4/3 को आप लिख दीजिएगा 27 log 3 - 12। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है f(x) = 1 + x / 1 + x² / 1 + x^4
इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर एट, फाइंड एफ डैश वन, एफ डैश वन निकालना है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू है वन प्लस एक्स, लिख देते हैं हम इसको, एफ ऑफ एक्स बराबर है वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स का पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स का पावर एट, और आपको निकालना है एफ डैश वन। तो एफ डैश वन का मतलब हुआ आप पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, और एफ डैश एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर आप वन पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ कई फंक्शन है, मोर देन फंक्शन, मोर फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो हमने आपको बताया था कि जब दिया हुआ फंक्शन वेरिएबल का पावर वेरिएबल के रूप में रहे या प्रोडक्ट ऑफ मोर फंक्शन रहे, तो ऐसे स्थिति में बिफोर डिफरेंशिएशन आपको लगा देना चाहिए लॉग। तो जब लॉग लगा देंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स का पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स का पावर एट। अब यहाँ हम लॉग का प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होगा लॉग एम गुना एन गुना पी गुना क्यू, यानी हो जाएगा लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, जितना गुना में रहेगा सबको जोड़ में बदल देंगे, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का पावर फोर, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का पावर एट। अब हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लॉग ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एफ एक्स, और एफ एक्स का एफ डैश एक्स। अब यहाँ देखिए लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स, और फिर वन का जीरो और एक्स का वन, तो जीरो प्लस वन हो गया वन, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस लॉग ऑफ एक्स का हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स ये वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो जीरो में टू एक्स जोड़ेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, और टू एक्स में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए लॉग एक्स का हो गया वन बाई वन प्लस एक्स का पावर फोर, और वन का जीरो और एक्स के पावर फोर का फोर एक्स क्यू, तो फोर एक्स क्यू में जीरो जोड़ेंगे तो फोर एक्स क्यू भी ना रह जाएगा, और उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी फोर एक्स क्यूब रह जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर एट, और वन का जीरो और एक्स का पावर एट का हो जाएगा एट इंटू एक्स का पावर सेवन। अब इसमें जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हो जाएगा एट इंटू एक्स टू द पावर सेवन। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स उधर गुना में चला जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स का पावर फोर प्लस एट एक्स का पावर सेवन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का पावर एट। अब हमको निकालना है एफ डैश वन, तो एफ डैश वन का मतलब हुआ एफ डैश एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन पुट कर देंगे, तो एक्स के जगह पर वन पुट कर देंगे तो ये हो गया एफ डैश वन बराबर हो गया एफ ऑफ वन इंटू वन बाई वन प्लस वन प्लस टू इंटू वन बाई वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन का क्यूब बटा वन प्लस वन का पावर फोर एट इंटू वन का पावर सेवन अपॉन वन प्लस वन का पावर एट। यानी एफ डैश वन बराबर हो गया एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन का मतलब हो गया एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास एफ एक्स था, तो एक्स के जगह पर जब आप वन रखिएगा तो ये हो जाएगा वन प्लस वन यानी टू, 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 वन का पावर एट रहेगा तब भी वन ही रहेगा ना, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी सिक्सटीन हो जाएगा टू टू द पावर फोर, आइए हो जाएगा वन बाई टू
आई हो जाएगा 2/2, आई हो जाएगा 4/2, आई हो जाएगा 8/2, यानी एफ डैश वन बराबर होगा 16 टाइम्स ऑफ 4 और 2 6 और 1, 7 + 1/2, यानी एफ डैश वन बराबर हो गया 16 × 7 × 14 और 1 15/2, 2 8 = 16 और 15 8 = 120, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवाल को आप देख कर ही जाइएगा, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये बड़ी जल्द इसको पूछ दे, एकदम एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी, दोनों सवाल को आप अपने डायरी में या नोटबुक में नोट कीजिए और प्रॉपरली रेगुलर इंटरवल पर इसको रिवाइज कीजिए। विदाउट रिवीजन यू आर नॉट एबल टू क्रैक एनी टाइप ऑफ कंपटीशन, और ये तो जेई ही है। जेई का कंपटीशन को क्वालिफाई करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वीडियो ये यूट्यूब चैनल खोलिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए और कोई एक प्लेलिस्ट को पूरा जम कर करके एक दिन में रिवाइज कर लीजिए। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इनवर्स, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, उन सारे वीडियोस को देखिए और उसके बाद उसको नोट कीजिए और उसमें जो भी अच्छा प्रॉब्लम आपको लगता है उसको आप दोबारा बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 + sin² x / 1 - tan x, फाइंड dy/dx। तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 + sin² x / 1 - tan x। अब आप रूट को जानते हैं कि पावर 1/2 कहते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 + sin² x / 1 - tan x का पावर हो जाएगा 1/2। ये जो रूट था ये हो जाएगा पावर 1/2। तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू लॉग m का पावर n, यानी ये हो जाएगा 1/2 लॉग 1 + sin² x / 1 - tan x, tan ऑफ x। अब आप इसको और तोड़ सकते हैं, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, अब लगा दीजिए log m अपॉन n, तो log m अपॉन n बराबर होगा log m माइनस log n, यानी log ऑफ 1 + sin² x - log ऑफ 1 - tan x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx बराबर होगा 1/2। अच्छा यहाँ देखिए log x का डेरिवेटिव, यानी पहले log का, तो log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + sin² x, और 1 का हो जाएगा 0 और sin² x का होता है sin 2x, ये याद रखिएगा, नहीं याद है तो अभी ये बना लीजिए। sin² x का हो जाएगा x के पावर n के रिस्पेक्ट में, यानी 2 sin x, और फिर sin x का हो जाएगा cos x, और यही 2 sin x × cos x को बोलते हैं sin 2x, माइनस log x का हो जाएगा 1/x, x के जगह पर है 1 - tan x, और 1 का 0, अब माइनस टेन एक्स का हो जाएगा sec² x। समझ रहे हैं बात को, यानी ये हो जाएगा 1/2, ऊपर हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 1 + sin² x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर में हो जाएगा sec² x और डिवाइडेड बाय 1 - tan x, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
इफ वाई इज इक्वल्स टू है एक्स इंटू ई टू दी पावर टू वाई, तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई टू दी पावर टू वाई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स बराबर ई टू दी पावर टू वाई। सिंप्लीफाई कीजिए जितना हो सकता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर टू वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पर आप लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग लगा देते हैं तो मिल जाएगा लॉग ऑफ ई का पावर टू बाई बराबर लॉग ऑफ वाई बाई एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए लॉग एम का पावर एन है तो टू बाई लॉग ई हो जाएगा, लॉग एम का पावर एन बराबर एन लॉग एम, एन के जगह पर टू बाई लॉग ई बराबर हो गया यहाँ लॉग वाई बाई एक्स, यानी लॉग एम बटा एन का फॉर्मूला। तो लॉग एम बटा एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब लॉग ई का वैल्यू आप जानते हैं कि वन होता है, लॉग ई बेस ई बराबर वन, यानी टू बाई इंटू वन बराबर होगा लॉग बाई माइनस लॉग एक्स, टू बाई बराबर होगा लॉग बाई माइनस लॉग एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी टू इंटू बाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, लॉग बाई का डेरिवेटिव वन बटा बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा इधर से टू इधर से माइनस वन बटा वाई बराबर यहाँ बचेगा माइनस वन बाई एक्स। और भी इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बाई एल सी एम हो जाएगा, तो हो जाएगा टू बाई माइनस वन, टू बाई माइनस वन बराबर हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स लेके चल जाते हैं यहाँ से बाई को उधर लेके चल जाते हैं तो आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, देखिए बाई ऊपर चला जाएगा तो माइनस बाई बटा एक्स आई हो जाएगा टू बाई माइनस वन डिनोमिनेटर में, देखिए जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बाई अपॉन, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस एक्स इंटू वन माइनस टू वाई, तो माइनस माइनस कट गया तो आंसर मिल गया आपको वाई अपॉन एक्स इंटू वन माइनस टू वाई, वाई अपॉन एक्स इंटू वन माइनस टू वाई। ये ऑप्शन क्या था, देखिए ये ऑप्शन है आपका डी, तो आंसर हो गया डी। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसान से सवाल बनाए जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव रूप में भी लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन का बहुत रोल है, बहुत इससे सवाल पूछे जा चुके हैं, आप बारी बारी से सब सवाल को एक बार फिर से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, कह रहा है इफ एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई टू द पावर एक्स बराबर 16 है तो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट टू टू, यानी डी वाई बाई डी एक्स जब निकाल देंगे तब एक्स के जगह पर टू और वाई के जगह पर टू रख देंगे। तो हमको दिया हुआ है एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई टू द पावर एक्स बराबर 16, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई टू द पावर एक्स बराबर 16, दोनों तरफ हम लॉग लगा देते हैं तो लॉग ऑफ एक्स का पावर वाई गुना वाई का पावर एक्स बराबर लॉग ऑफ 16। अब यहाँ हो जाएगा लॉग एम इंटू एन, तो इसका मतलब होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और राइट हैंड साइड में तो कुछ सोचेंगे ही नहीं, यहाँ समझ में आया, ये था लॉग एम गुना एन, एम के जगह पर एक्स के पावर वाई और एन के जगह पर वाई का पावर एक्स, तो लॉग एम गुना एन को क्या लिख देंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। अभी हो जाएगा लॉग एम का पावर एन, तो इनका फॉर्मूला होता है एन लॉग एम, तो एन के जगह पर वाई और एम के जगह पर एक्स, तो वाई लॉग एक्स।
और यहाँ भी वही हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग एम का पावर एन यानी एक्स लॉग वाई बराबर लॉग 16। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा यू इंटू वी के फॉर्मूला पर, तो हो जाएगा यू इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस वी इंटू यू का डेरिवेटिव, यानी वाई इंटू लॉग एक्स का वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ भी हो जाएगा यू इंटू वी पर, तो एक्स इंटू लॉग वाई का वन बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस लॉग वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, और लॉग 16 तो कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहीं पर से निकाल लेते हैं जब एक्स का भी वैल्यू टू रख दें और वाई का वैल्यू टू लेते हैं, यानी एक्स बराबर टू रख देते हैं और वाई बराबर टू रख देते हैं, तो हमको अपने आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो वाई हो गया टू और एक्स हो गया टू, तो टू बटा टू यानी कितना वन, एक्स का वैल्यू कितना था टू, तो लॉग टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का वैल्यू टू और वाई का वैल्यू टू, तो टू बाई टू यानी वन, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई का वैल्यू है टू बराबर जीरो। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, लॉग टू और प्लस वन, लॉग टू प्लस वन और प्लस ये हो जाएगा लॉग टू और प्लस वन बराबर जीरो, यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन प्लस लॉग टू बराबर हो जाएगा, पूरे टर्म उधर चला जाएगा, तो माइनस वन प्लस लॉग टू, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस ऑफ वन प्लस लॉग टू डिवाइडेड बाई वन प्लस लॉग टू। अब ये कट जाएगा तो बच गया माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया। लॉग के प्रॉब्लम में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसका वीडियो हम ज़्यादा ही बना रहे हैं, ये छठा लेक्चर है तो आप समझ सकते हैं कि कितना सवाल हुआ होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ पूरे प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से बनाइए, ये पांचों प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम्स है, यहाँ से आपको बोर्ड लेवल में भी मदद मिलेगा और कम्पिटिटिव प्रॉब्लम को बनाने में मदद मिलेगा। पूरे कॉपी में नोट कीजिए और एक बार फिर से इस पांचों प्रॉब्लम को बना जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद है कि इसी प्रकार से आपका साथ मिलता रहेगा। आज हमारा YouTube चैनल अगर मोनेटाइज हुआ है तो इसके हकदार आप ही हैं, क्योंकि आपके बिना ये सब संभव नहीं हो पाता। आज थोड़ा बहुत अगर हम YouTube पर लोकप्रिय हुए हैं तो इसमें आपका योगदान सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, एक एक चैप्टर पढ़ाई होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।